जैन सभी को सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 5 अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर बढ़िया तरीके से चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग की प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने सोशियोलॉजी और आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट के जो है ना जितनी भी वीडियोस थी सारी अपलोड कर दी है। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखें, बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। चलिए आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है भारतीय इस्लामिक वास्तुकला, यानी कि इस्लाम के तौर पर, इस्लामिक तौर पर हमारे सामने वास्तुकला, यानी क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हैं, जैसे कुतुब मीनार, गोल गुंबद, ताजमहल, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए, ठीक है, जिससे कि मज़ा आ जाए फिर तो, ठीक है। और इसके बाद जो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर ज्योग्राफी ज्योग्राफी का हो गया और दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी करा दो, तो जल्दी जल्दी मैं करवा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लें। जिसका अक्टूबर में एग्जाम है अक्टूबर तक तो मैं सारा ही करवा दूंगा, आपका ज्योग्राफी भी और अदर सब्जेक्ट इंग्लिश भी करवा दूंगा, ठीक है। ज्योग्राफी आप लोग टेंशन ना लें, ठीक बा। चलिए उसके बाद देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा इंडो इस्लामिक, इंडो का मतलब हो गया यहाँ पे भारतीय शैली से बनाई गई चीज़ें, इस्लामिक यानी इस्लामिक चीज़ों से, इस्लामिक से रिलेटेड जो है चीज़ें जैसे कुतुब मीनार वगैरह ये सब हो गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय शैली और इस्लामिक शैली दोनों ही मिलकर कहीं ना कहीं कुछ जो मॉन्यूमेंट्स का या बोल सकते हैं जो वास्तुकला का जो निर्माण हुआ है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही जैसे हम बता देते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग गोल गुंबद के बारे में, ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला आखिर होती क्या है, ये चीज़ जानेंगे। तो पहला आंसर आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर किस तरीके से है। तो सल्तनतकालीन भारत में वास्तुकला की जिस नवीन शैली का सूत्रपात हुआ उसे इंडो इस्लामिक शैली की संज्ञा दी जाती है, जिसमें कुछ भारतीय शैली भी हो और कुछ इस्लामिक शैली भी हो, मिला जुला कर जो बनाई है उसको इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्योंकि सल्तनतकालीन वास्तुकला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्य में भारतीय और ईरानी दोनों कलाओं का सम्मिश्रण था, भारतीय कला भी और ईरानी कला भी दोनों मिल गई तो वो इंडो इस्लामिक बनी। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की अनेक विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है, जैसे पहला देखिए तो वास्तुकला मतलब होता है ना, वास्तुकला मतलब होता है बनावट, घर नक्शा बनाना, किस तरीके भवन निर्माण, मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, तो वास्तुकला के अंदर आता है, ठीक है, नक्शा बनाना। तो सल्तनतकालीन वास्तुकला के अंतर्गत जो है किला, मकबरा, मस्जिद और महल का निर्माण किया गया। निर्माण संरचना में नुकीले मेहराब, आपने देखा होगा ऊपर नुकीले मेहराब होते हैं, ठीक है, और नुकीले मेहराबों, गुंबदों तथा जो है संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ताजमहल की ये बात करें, गोल गुंबद है, ऊपर जो है ऊपर उसके गोल गोल मतलब नुकीले मेहराब बने हुए हैं और बगल चारों दिशाओं में जो आपने देखा होगा ताजमहल के वो क्या है, संकरी और ऊंची मीनारें हैं, पतली पतली, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ज़्यादा पतली पतली जो है संकरी मीनारें हैं। तो दूसरा है निर्माण सामग्रियों में पत्थर, उत्तम प्रकार के चूने और कंक्रीट का यूज़, जैसे आज लेंटर वगैरह डालने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है, तो उस टाइम गोल गुंबद बनाने के लिए जो है अलग अलग चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जैसे कंक्रीट, चूना, पत्थर, ये सब। सल्तनतकालीन वास्तुकला में प्रथम बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया था। तो सल्तनतकालीन वास्तुकला में याद रखिएगा मेहराब और गुंबद, यानी कि जो गुंबद के ऊपर मेहराब बनाई जाती है वो, और मीनारें वगैरह सब कुछ बनाई गई थी। इस्लाम में जीवित वस्तुओं का चित्रण वर्जित होने के कारण इमारतों में अलंकरण हेतु विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियों, ज्यामितीय एवं कुरान की आयतें उत्कीर्ण की जाती थी। ये चीज़ हमें याद रखना है कि भाई देखिए इस्लाम में मूर्ति जो है वर्जित होती है, इस्लाम के अंदर चित्र वर्जित होता है, जैसे अल्लाह की बात करते हैं जो अल्लाह हैं उनकी ना कोई तस्वीर है ना कोई मूर्ति है, तो ये इस इबादत कैसे करते हैं, तो मजार की इबादत करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ज्यामितीय एवं कुरान की आयतें उत्कीर्ण की जाती हैं। तुर्क शासकों ने हिंदू साज सज्जा की वस्तुओं जैसे घंटियों के नमूनों, स्वास्तिक, कमलबेल के नमूनों इत्यादि का भी अनुसरण किया है। अगर मंदिरों की बात करें तो इनमें क्या है कि सजावट के लिए फूल पत्तियों का, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया गया। साज सज्जा की इस संयुक्त विधि को जो है अरब अरबक्स
विधि का नाम दिया गया है, ठीक है, अरबस्क विधि का नाम दिया गया है, यह हमें याद रखना है, ठीक है। तो यही है भारतीय इस्लामिक शैली क्या होती है, तो इंडो इस्लामिक शैली का मतलब क्या हो गया कि हिंदुस्तानी और ईरानी दोनों को मिलाकर जो भी वास्तुकला, जो भी इन चीजों का निर्माण किया गया उसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक शैली, ठीक बा। चलिए आंसर मेरा जाइए यहां से। अब आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, कुतुब मीनार की विशेषताओं का उल्लेख करें। कुतुब मीनार की विशेषताओं का उल्लेख करना है इसके अंदर, ठीक है। देखिए कुतुब मीनार तो सबने देखा ही होगा किस तरीके से जो है कुतुब मीनार है हमारा। देखिए ये कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ, मेहरौली में, ठीक है। देखिए तो कुतुब मीनार जो वर्तमान दिल्ली से 12 मील की दूरी पर मेहरौली गांव में स्थित है, इसका जो है निर्माण कार्य तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था, किंतु इसे पूरा किसने करवाया था, 1230 में पूरा इल्तुतमिश ने किया था इसे। इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। किसने बनवाया था इसको, तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी थी 1206 में, फिर कुतुबुद्दीन उसमें 1230 में जो है इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था, और इसको विजय स्तंभ भी जो है कहा जाता है कुतुब मीनार को, ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल पत्थर से निर्मित है और जिसका बाहरी आवरण लाल है। कुतुब मीनार कैसा दिखता है, पूरा लाल कलर का दिखता है। और मीनार की प्रथम मंजिल का बाहरी भाग व्यास नींव पर 14.3 मीटर तथा अंतिम मंजिल की चोटी का व्यास 28 मीटर है। मीनार की दूसरी मंजिल गोलाकार है, और देखो बनावट बता रखी है गोलाकार। इस ज्यामितीय विधि मतलब एक फूल के डिजाइन से बनाया गया है, ऐसे ऐसे गोल 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 मीनार मान लो, वो पूरी सर्कल पे नहीं है जैसे ये सिलेंड्रिकल है, ऐसा नहीं है कुतुब मीनार, वो कैसा हल्का हल्का राउंड 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 टाइप का जो है गया हुआ है, डिजाइन बना रखा है उस पर। तो मंजिल गोलाकार है, और तीसरी मंजिल का जो है बाहरी कलेवर कोणीय, और इसमें 397 सीढ़ियां हैं तथा इनकी कुल ऊंचाई 72.53, यानी ऐसा मान लीजिए 73 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तूफान और आंधी के कारण इसकी कुछ मीनारें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत बाद में सुल्तानों ने कराई थी। यानी कि याद है कि इतने बड़े बड़े तूफान आए तो इसकी जो मीनारें हैं ना कुछ क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो पहले ज्यादा मीनारें थी, आज वर्तमान में 5 मीनारें देखी जा सकती हैं इसकी, ठीक है। तो वही तीसरे क्वेश्चन में देखिए, कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली का अद्भुत नमूना है। कैसे, तो कैसे, जरा आपको ये कुतुब मीनार दिख रहा होगा किस तरीके से कुतुब मीनार है, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए है ना। तो कुतुब मीनार चली जाइए, आप बगल में खड़े हो जाइए, तो ये चीज हमें याद रखना है। तो इसको क्या बोला जाएगा, देखिए कुतुब मीनार में कुल कितनी जो है, कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली का अद्भुत नमूना है। कैसे, तो कुतुब मीनार में कुल 7 मंजिलें थी, किंतु वर्तमान में यहाँ 4 लिखा हुआ था, 5 है, 5 इमारतें बची हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, इसलिए इस मीनार को कुतुब मीनार जो है कहा जाता है। किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए इसको कुतुब मीनार कहा जाता है। या इंडो इस्लामिक शैली का अद्भुत नमूना क्योंकि इसकी शंखवाकार आकृति छज्जों को सहारा देती है, हुई मजबूत पट्टियों, यानी पट्टियां गई हुई हैं ऊपर तक पट्टियों, ज्यामितीय सजावट, अरबी भाषा में खुदी लिखावट इत्यादि इसके जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी इस तरीके से जो है हमारे सामने कुतुब मीनार जो है प्रकट होता है। आगे बात समझ में, चलिए कुतुब मीनार महाराज जाइए यहाँ से। उसके बाद आता है ताजमहल। ताजमहल को कौन भूल सकता है, ठीक है। देखिए ताजमहल की मुगल वास्तुकला का अच्छा नमूना मानने के 3 कारण लिखिए। अब ये भाई क्यों जो है इसको अच्छा नमूना माना जा सकता है ताजमहल को इंडो इस्लामिक में, आप लोग देख सकते हैं क्या है इसमें। देखिए ताजमहल का निर्माण जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की स्मृति में करवाया था, ठीक है। इसे मुगल वास्तुकला का अच्छा नमूना स्वीकार करने के 3 कारण है, याद रखिएगा। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए स्मृति में, उनकी याद में बनवाया था। तो कुछ खास नमूना है, जैसे मुगल वास्तुकला का अच्छा नमूना स्वीकार करने के 3 कारण है। जैसे पहला, भवन में बने दोहरे परत की गुंबद, मीनारें, मेहराब तथा बालकनी इत्यादि पख समन वास्तुकला शैली है। यानी कि जो इतनी भयंकर, मतलब बोल सकते हैं बहुत कभी ताजमहल जो गया होगा उसको देखना, कभी ऊपर जो गोल गुंबद है, कितनी विशाल गोल गुंबद है। अरबी भाषा की लिखावट शुद्ध अनुपात में जो है पत्थरों में खोदकर भवन में लगाई गई है, यानी जो नक्काशी की गई है ना पत्थरों में ही खुरेज खुरेज के, यानी कि मतलब एक तरीके इस तरीके से डिजाइन बनाया गया है। और भवन के अंगों का आपसी अनुपात पक्षयन शैली से, पक्षयन शैली क्या होती है भाई, जो डिज़ाइन बनाया जाता है किस तरीके से उसको जो है मतलब नकाशी छोटी छेनी से, हथौड़ी से ठोक 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 कर जो है इस शैली से जो है इसका निर्माण
किया गया है। तो भाई इतना अच्छा नमूना है हमारे सामने ताजमहल, तो ताजमहल को मुगल वास्तुकला का अच्छा नमूना मानने के तीन कारण यही है कि भाई उस टाइम पे मुगलों के टाइम पे बनाया गया था, शाहजहां ने बनवाया था, और किस तरीके से बनवाया था, इतना फेमस आज ताजमहल है कि विश्व भर के लोग जो है आज इसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, आगरा में स्थित हमारा ताजमहल। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा ताजमहल की नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ताजमहल की विशेषताएं क्या है भाई, तो मुगल कालीन स्थापत्य के क्षेत्र में ताजमहल का निर्माण जो सर्वोत्तम उपलब्धि मानी जाती है। भाई इतना पैसा लगाया गया था उस टाइम पे इसको बनवाने के लिए, सोचने वाली बात है। तो यह विश्व प्रसिद्ध इमारत है तथा जो उत्तर प्रदेश स्थित आगरा जिले में यमुना नदी के निकट, यमुना नदी से सटी हुई पूरी ही इमारत है ये, तो याद रखिएगा। तो इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की स्मृति में जो है स्वयं की देखरेख में करवाया था। ताजमहल के मुख्य भवन का क्षेत्रफल 313 वर्ग फीट है, हर तरफ फैला हुआ है। कितनी दूरी पर, 313 फीट की दूरी पर फैला हुआ है। इसके मध्य का बड़ा गुंबद 186 जो है फीट चौड़ा है, और तथा भवन के चारों कोनों पर बनी चारों मीनारें 163 फीट ऊंची हैं। चार मीनार हैं ताजमहल के बगल में, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये 163 फीट ऊंची हैं, और यह इंडो इस्लामिक कला शैली का अद्भुत नमूना है। इसके निर्माण सामग्रियों के रूप में संगमरमर, ये तो सबको पता है, चूना, बाजरा, कंकड़, यानी छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं वो, और बाजरा कंकड़ बोला जाता है, यानी कि बाजरा खाने वाला, बाजरा कंकड़ छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, जो है सीसा, रूमी, मस्तगी, बेलगिरी और सन के टुकड़े गोंद इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज के टाइम पे लेंटर लगाने में गिट्टी और जो हमारा सीमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मटेरियल लगता है, वैसे उस टाइम पे अलग अलग चीज़ें लगाई गई थी, कुछ प्राकृतिक चीज़ों का भी यूज़ करते थे ये लोग बनाने के लिए। तो इसके निर्माण की कुल अवधि 22 वर्ष मानी जाती है, यानी ताजमहल जो है कितने साल लग गए बनने में, टोटल 22 साल लगे थे आगे वह समय में, और कई हज़ार इसमें मजदूर लगे थे। ऐसा बोला जाता था कि भाई इसके मजदूरों के हाथ सबके कटवा दिए गए थे, लेकिन ये ना ये गलत बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं था, मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए गए थे, बल्कि उनका एक राजीनामा पे हस्ताक्षर करवा लिया गया था कि हाँ आज के बाद वो कभी भी ऐसी इमारत नहीं बनाएंगे, और जीवन भर का उनको पैसा दे दिया गया था। तो इतने हाथ काटे गए होते तो उसके कुछ साक्ष्य मिलते ना आगे बस उनमें, ये चीज़ तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये झूठ भी है। ठीक है, अफवाह के तौर पर ये बात फैलाई गई थी कि सबके हाथ कटवा दिए थे, इतना कोई क्रूर नहीं था। ठीक है ना, देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब आ जाते हैं छठे क्वेश्चन पे, गोल गुंबद के निर्माण में जो है किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया था। गोल गुंबद भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से गोल गुंबद है, और इस इनका निर्माण जो है एवं उपलब्धियां बताएं। तो कर्नाटक राज्य में है ये गोल गुंबद। तो कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में जो है स्थित गोल गुंबद का निर्माण बीजापुर के अंतिम शासक मोहम्मद आदिल द्वारा करवाया गया था। याद रखना, मोहम्मद आदिल ने जो है गोल गुंबद बनवाया था, और इंडो इस्लामिक शैली पर निर्मित यह गोल गुंबद विश्व की गुंबदों में सबसे विशाल है। विश्व भर में सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है गोल गुंबद। ठीक है, और गुंबद के चारों कोनों पर आठ भुजा वाली चार मीनारें हैं। आप लोगों को मीनार भी दिख रहा होगा, चार भुजा वाली, जैसे ताजमहल के चारों कोने पर गोल मीनारें हैं, वैसे इसके चारों कोनों पर चार भुजा वाली मीनारें हैं, चकोर, जिनमें सात सात मंजिलें हैं, और भवन के अंदर का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है, और निर्माण सामग्रियों का रूप में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसको बनाने के लिए, गोल गुंबद को बनाने के लिए पक्की ईंटों का यूज़ किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और इस गुंबद का निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में हुआ, और गुंबद के अंदर दो कब्रें हैं, और इस गुंबद को आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है, इसको दोहरा गुंबद भी बोला जाता है। याद रखना, गुंबद के ऊपर गुंबद, कैसा गुंबद, तो देखिए जरा गुंबद। ठीक है, देखिए आठ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के गोल गुंबद, तो आदिल शाह ने बनवाया था ये, इसको आदिल शाह का गुंबद भी बोला जाता है। तो बीजापुर के गोल गुंबद की का विशाल गुंबद दोहरा गुंबद है, इसको ध्यान में रखकर दोहरे गुंबद बनाने की शैली का रेखांकन तथा वर्णन कीजिए। किस प्रकार से गोल गुंबद, गुंबद के ऊपर गुंबद है ना, गुंबद गुंबद हो रहा है ना। देखिए तो कर्नाटक के बीजापुर में है ये। ठीक है, तो दोहरे गुंबद बनाने के लिए पत्थर एवं ईंटों का प्रयोग किया गया था। पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ तोड़ कर इतने इतने आकार में बनाया गया था, और दोहरे गुंबद बनाने के लिए पत्थर एवं ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पहला गुंबद बनाकर उस पर ठोस मिट्टी का मोटा लेवा या प्लास्टर लगाया जाता था। ठोस मिट्टी, जैसे एक स्ट्रक्चर उस पर करा, उस पर फिर क्या मिट्टी लेवा, मिट्टी का जो पूरा लेवा तैयार किया जाता था। तत्पश्चात उस पर ऊंचा वाला बाहरी गुंबद बनाया जाता था। ईरानी कारीगर ईंट
तथा पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर जो है इस प्रकार के गुंबद बनाते थे। यानी सोचिए उस टाइम पे कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना विशाल विशाल गुंबद जो है यहाँ पर बनाया गया था। सोचने वाली बात है, आज के टाइम पे तो बनाए गए ऐसे ऐसे क्या बोला जाए कि सारा भ्रष्ट कर देते हैं, पूरा हर चीज भ्रष्ट करके रख देते हैं, है ना। पुल गिर जाते हैं, छतें गिर जाती हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे पूरा सजगता के साथ बनाया जाता। तभी तो 200 साल 300 साल 500 साल 1000 साल पुरानी इमारतें आज भी खड़ी हैं अपनी जगह पर। कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी, है ना। लेकिन आज के टाइम पे भ्रष्ट इंजीनियरों ने क्या किया है, कई ऐसी पुल बनाते हैं, कई ऐसे नेता भ्रष्ट नेता वो क्या करते हैं कि जो है मतलब ऐसा पुल बनवाएंगे इसमें कम सामान लगवाते हैं, गिर जाता है, फिर बनवाते हैं ना पैसे लालच में, वो भूल जाते हैं कितने लोग मरते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए तो एक बार मैं तीनों तस्वीर आप लोग के सामने रख रहा हूँ, आप लोग देखिए जरा किस तरीके से है। तो एक तरफ हमारा ताजमहल है, एक तरफ जो है आपका कुतुब मीनार है, फिर गोल गुंबद है। तो ये तीन जो है चित्रों के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है, आप लोग बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 7th चैप्टर। आई होप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोगों को बस ये तीन पिक्चर के बारे में पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिल्कुल प्यार देते रहें 7th क्लास को अपना, और खूब आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। बढ़िया तरीके से नंबर लाएं, एग्जाम में पास हों, अच्छा डिवीजन ला के पास हों, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।